दो चमचे नाल ही बाल काले हो जाने बिल्कुल, तो बिल्कुल मिट्टी रंगी होगी जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल प्योर है जी ये। अच्छा। तुसी एक बार अप्लाई करोगे इहदा कलर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता। की जिहड़ियां असीं घरां दे विच वालां नूं काले करन वास्ते डाइज यूज़ करदे आं, हेयर कलर यूज़ करदे आं, कि उन्हां नाल कैंसर हुंदा है, कि उन्हां नाल अखां दी नज़र घटदी है, कि उन्हां नाल स्किनज प्रॉब्लम हो जांदियां ने, स्किन एलर्जीज हो जांदियां ने। देखो डाई की है, डाई तां कैमिकल्स है और कैमिकल दा नुकसान तुहानूं पता ही है शरीर दे उत्ते किन्ना हुंदा। जिहड़े भी डाई यूज़ करते ने वो अगर नोटिस करनगे उन्हां दे डाई पहला यूज़ करन तो पहला किन्ने कु सफेद बाल सीगे जां बालां दी ग्रोथ किन्नी कु सीगी। की होया सी डाई लगाने तो बाद तुसी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि थोड़े सारी स्किन भी खराब हो गई सी। जदों हेयर फॉल होने शुरू हो गए, स्किन मेरी लूज होनी शुरू हो गई, रिंकल्स पै गए, पैचेस पै गए, आई साइट मेरी घट गई, फिर बड़ा मैनू ये होया इस गल का कि हुन की होएगा। फिर जदों इन्हां ने सजेस्ट किया जिहड़ा थोड़ा ये नुस्खा ये फार्मूला इस्तेमाल करेगा तो फायदा की होने वाला है इस नुस्खिया के। वाल हुण जिहड़े आ स्मूथ हो गए हैं, हेयर ग्रोथ शुरू हो गई है, पैचेस आ जिहड़े काफ़ी हद तक कवर हो चुके हैं, मतलब गंज पैना शुरू हो गया। हाँ जी हाँ जी, पैचेस इन्हां एरियाज दे विच तां बहुत ज़्यादा हो गए सी। ना कि कलमों के उत्ते छोटे थोड़े कई बार वाल आ जाते हैं सफेद, तो जोड़े नौजवान मुंडे है वो कलमों लगा देंगे ने, अगली बार जो सिर उतरदा उन्हों का डाई उतरती है तो अद्धा सिर भर जाता जी सफेद वालों उन्हों का की कारण होंगे जी। जदन तो डाई यूज़ कर लगे मेरी निगाह खराब हुई है, मेरी स्किन खराब हो गई, मेरी स्किन का टैक्सचर खराब हो गया, पोर्स खराब हो गए, लूज हो गए, तो अखा के नीचे काले घेरे हो गए, चुरियाँ पै गई, मतलब ऐ सीगा भी बुढ़ा होना शुरू हो गया, भी बाल भी जा रहे ने। मतलब लगाउणी तुसी डाई शुरू कीती जवान दिखण वास्ते ते हुण तुसी बुढ़े लग गए। बिल्कुल यही कुछ सारे नाल ही हुंदा, मेरे कल्ले नाल नहीं, जिहड़े भी डाई यूज़ कर रहे ने। जी जिहड़े तुसी नुस्खा रख्या होया जी ये ग्रीन, ये खुशबू सारे घर के फैला रखी है तुसी, पर इत्थे तो उल्टा हुंदा है जदों घर के डाई लगदे तो गुआंढी नूं पता लग जांदा जी भी अज डाई लग रही है किसी दे। इंडिगो है, ये इंडिगो नूं कोई तुसी डाई नूं अपनी जीभ ते नहीं रख सकते, अगर रखोगे तो तुहाडा साह रुक जाना, उन्हें तुहानूं प्रॉब्लम कर ही देनी है, होस्पिटलाइज होना पूगा तुहानूं। ये इंडिगो लिता मैंने। चलो हुण जिहड़े लोग ना जी मजबूरी बस इस्तेमाल कर रहे ने डाइया दा, उन्हां कोल कोई ऑप्शन नहीं बचिया क्योंकि वाल उन्हां दे सफेद ज़्यादा हो चुके ने, मजबूरी बस उन्होंने हर हफ्ते डाई करवाना पैंदा, हुण उन्हां दा खेड़ा है जिहड़ा तुसीं कुदरती ढंग नाल किवें छुड़ाओगे। छोटे छोटे बच्चों के भी बड़ा डैंड्रफ हो रहा जी, वह की कारण मानते हो? पहला फायदा तो यही होया डैंड्रफ फर्स्ट सैकेंड उहदे नाल ही काफ़ी हद तक रिमूव होगी। अगे आ गया जी कड़ी लीव्स, कड़ी लीव्स लोग मसाले के तौर पर सोचते होंगे पर बालों वास्ते मॉइस्चराइजर का काम करता, बालों वास्ते एक सेहत का भंडारी कहांगा या एक पोटली कहांगा क्योंकि पोटली के विच ही है साडा सारा समान। की जिहड़ियां असीं घरां दे विच वालां नूं काले करन वास्ते डाई यूज़ करदे आं, हेयर कलर यूज़ करदे आं, कि उन्हां नाल कैंसर हुंदा है, कि उन्हां नाल अखां दी नज़र घटदी है, कि उन्हां नाल स्किनज प्रॉब्लम हो जांदियां ने, स्किन एलर्जीज हो जांदियां ने, ये सारियां गल्लां लै के अज असीं एक खास वीडियो बनाउण पहुंचे हाँ पटियाला दी तहसील समाणा विखे। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ थोड़े नाल कासिफ फारूकी, तो मेरे नाल अज बैठे ने डॉक्टर रविंदर जी, उन्होंने असी गलबात करांगे, समझण दी कोशिश करांगे कि जिहड़े घरां दे विच इस वेले असी वालां नूं काले करन वास्ते या काले पीले करन वास्ते भी असी कह सकते हैं तरह तरह के जिहड़े कलर्स ने इस वेले बाज़ार दे विच आ रहे ने, उन्हां दा फायदा है या उन्हां दा नुकसान है। पहला स्वागत कर लें, पहली बार डॉक्टर साहब साडे चैनल दे उत्ते आ रहे ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हकीकत टीवी पंजाबी ते जी। शुक्रिया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैनूं सब तो पहला ये दसो कि जिहड़ियां डाइज ने इस वेले चल रही हैं, चाहे वह वालों काले करने वाली ने या फिर रंग बिरंगे करने वाले ने, अजकल दे नौजवान रंग बिरंगे वाल भी जिहड़े वह करते हैं, किन्ना नुकसान है या वहम भरमी बने हुए ने जी भी डाइया नाल वाल खराब होंदे ही नहीं? देखो डाई की है, डाई तां कैमिकल्स है
और कैमिकल का नुकसान तुहानू पता ही है शरीर के उत्ते किन्ना हुंदा। मौके ते चाहे आपां नू ना नजर आवे नुकसान, लेकिन लंबे टाइम बाद आपां नू नुकसान दिखने शुरू हो जांदे ने। कैमिकल किहड़े हुंदे ने जी फिर उहनां च जिहड़े तुसीं डाइज की गल करदे हो, किहड़े कैमिकल्स हुंदे ने? कैमिकल्स उत्ते आने कैमिकल्स जिवें पीपीडी होगी, अमोनिया हो गया, इदां दे होर काफ़ी सारे कैमिकल्स जिहड़े हैगे डाई दे विच हुंदे ने। उहनां ने नुकसान देना ही देना, वो अज नहीं तो कल नुकसान करनगे। जिवें कि जिहड़े भी डाई यूज़ करते हैं वो अगर नोटिस करनगे उन्हां दे डाई पहला यूज़ करन तो पहला किन्ने कु सफेद बाल सीगे, जां बालों की ग्रोथ किन्नी कु सीगी, ते जां कंडीशन की सीगी बालों की उदों। हुण डाई यूज़ करन तो बाद जदों उन्हां नूं साल दो साल छे महीने या पांच सत्त साल हो गए होणगे डाई यूज़ करते, तो इस दौरान उन्होंने बालों की स्थिति की है? एक गल होर नहीं समझ आती डॉक्टर साहब, साढ़े ना कि कलमों के उत्ते छोटे थोड़े कई बार वाल आ जाते हैं सफेद, तो जोड़े नौजवान मुंडे है वो कलमों को लगा देंगे ने, अगली बार जो सिर उतरदा उन्होंने डाई उतरती है तो अद्धा सिर भर जाता जी सफेद वालों उन्होंने की कारण होंगे जी? ये चीज़ मेरे नाल भी वापर चुकी है जी। अच्छा, मैं भी काफ़ी साल डाई यूज़ करी है। मेरे वाल पिछले साल की गल है, साल तो डेढ़ साल पहला की गल, मेरे बाल सारे सफेद काफ़ी हद तक हूँ भी है सफेद, तो मेरे बाल तकरीबन ए लगा लो भी गंज पैनी शुरू हो गई सी, और मैं यही डर पै गया ये बाल चले जाएंगे, और मेरी निगाह जी वीक हुई है इस टाइम, मैं नेड़े की एनक भी लगा रहा दूर की भी लगा रहा, ये सारी डाई की देन है मैं। जदन तो डाई यूज़ कर लगे मेरी निगाह खराब हुई है, मेरी स्किन खराब हो गई, मेरी स्किन का टैक्सचर खराब हो गया, पोर्स खराब हो गए, लूज हो गए, तो अखा के नीचे काले घेरे हो गए, चुरियां पै गई, मतलब ऐसा भी बुढ़ा होना शुरू हो गया, भी बाल भी जा रहे ने। मतलब लगाने तुसी डाई शुरू की जवान दिखने वास्ते ते हुण तुसी बुढ़े लग गए? बिल्कुल यही यही कुछ सारे नाल ही हुंदा, मेरे कल्ले नाल नहीं, जिहड़े भी डाई यूज कर रहे ने। हुण ते जिहड़ी थोड़ी स्किन हैगी है वो तो लगती नहीं, थोड़ी स्किन तो बेबी सॉफ्ट वांग हो लगती, देखने नूं तो ऐ लगती है। ये सारी मैनू यह डेढ़ साल हो गया ये सारे नुस्खे यूज करते हुए। अच्छा, इन्हों की देन है कि मेरे बाल भी बच गए, बाल भरवें भी हो गए बहुत। अच्छा। और ग्रोथ अच्छी होगी पहले नालों, जिहड़े जा चुके सी वह भी वापिस आ गए। कल्ली मेहंदी कल्ला कलर करना तो नहीं है ना मकसद, भी कल्ला कलर ही दिखाना करके, बाल तो झड़ चुके ने, 50% बाल रह गए ने, आपां उन्हां नूं भी तो वापिस लिआना, या फिर जिहड़े 50% बचे ने घट्टो घट आपां उन्हां नूं भी तो बचा के रखना। जेकर आपां इन्हां वास्ते कुछ नहीं करांगे तो ये बाल रेंदे हुंदे भी चले जाएंगे, कल्ला कलर नाल मतलब नहीं हैगा। कलर हाँ, कलर अगर आपां ये हर्बल कलर यूज़ करांगे तो बाल घट्टो घट जिहड़े नुकसान हो रहे सी वह तो बच जूगा, पर जिहड़े होर बाल चाहिए ने जां इन्हां दे विच भी कुछ स्पैशल चाहिए कि इन्हां दे विच शाइन आ जाए, बालों की क्वालिटी अच्छी हो जाए, तो उन्हां वास्ते आपां नूं हर्बल कन्नी ही जाना पऊगा। अगर आपां इत्थों दा ये प्रोडक्ट वरत रहे हैं उपरों आपां फिर शैंपू यूज़ करी जा रहे हैं मार्केट वाले, उन्होंने भी SLS या SLES कैमिकल होंगे ने, उन्हों का भी बहुत सारा नुकसान होंगे, उस तो बगैर वह है ही नहीं। और अगर अपना थानू ये तेल तो साबण बनाने की लड़ क्यों पी, थोड़ा तो जोड़ा नुस्खा हैगा सी वो हर्बल मेहंदी वाला नुस्खा हैगा सी जोड़ा अभी थोड़े को इतने खोज करके थोड़े को पहुँचे हैं। अगर आप हर्बल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं बालों की ग्रोथ वास्ते, बालों को अच्छा करने वास्ते, तो उपरों आप मार्केट के साबण या शैंपू इस्तेमाल करे जाइए तो उतों आप नुकसान मिलेगा, इतों आप बचा रहे हैं उतों आप घाट कर रहे हैं। इस करके आप हर्बल ही चीज़ा बनाती हैं, साबण भी अपना हर्बल घर ही तैयार करो, तेल भी तुम आपका घर च हर्बल तैयार करो, उही तेल लगाओ, उही साबण लगाओ बाल धोने वास्ते, उही हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करो। ये जिहड़े तुसीं नुस्खा रख्या होया जी ये ग्रीन, ये खुशबू सारे घर के फैला रखी है तुसी, पर इत्थे तो उल्टा होंदा जो घर के डाई लगते तो गुआंढी नूं पता लग जांदा जी वी अज डाई लग रही है किसी दे, वो कैमिकल है उहदी कैमिकल की अपनी एक स्मैल है, कैमिकल लगे तो बाद डाई किते तो बाद जिहड़ा कलर नज़र आता डार्क वह भी सबनों पता लग जाता भी ये डाई लगाई हुई है, नैचुरल नहीं लगती हैगी डाई, डाई हमेशा थोड़े वाल जिहड़े नैचुरल काले ने या तुसी ये? मैं कल लगाई सीगी हेना, अज मैं लगाई है इंडिगो, हेना नाल रेड हो गए, अज इंडिगो यूज़ करिए, इंडिगो नाल ब्लैक हो गए। असी लोगों को कहांगे कि जिहड़े इंडिगो लीव्स हैगे ने पत्ते हैगे ने या हेना हैगी है, हेना नाल ते वाल लाल हो जाते हैं जी, लाली फट जाते हैं, तो पर तुसी कह रहे हो कि काले हो गए? देखो लाली तो आती है ओरेंज कलर के हो जाएंगे तो हेना लगाने नाल, उसी ओरेंज कलर के उत्ते अगर आप इंडिगो अपलाई कर देंगे सेम ही है, इंडिगो भी लीव्स पाउडर है, हेना भी लीव्स पाउडर है, पत्तिया तो ही बनया हुआ नैचुरल है, दोनों चीज़ें नैचुरल ने, सब तो बड़ी गल है कैमिकल फ्री ने, प्रजर्वेटिव कैमिकल फ्री, हाँ कैमिकल्स फ्री ने, प्रजर्वेटिव फ्री ने, इस दे विच कोई कलर नहीं पाया हुआ, ना ही कोई खुशबू वास्ते कोई सेंस पाई हुई है, टोटल नैचुरल ने। नहीं जी ये नैचुरल ने फिर तो असी प्रूफ किवें करिए नैचुरल ने, किवें लोग मनन?
देखो किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव कोई कैमिकल नहीं पाया वो तो मैं सैंपल दिखा सकता आ देखो ये इंडिगो है ये इंडिगो नू कोई तुसी डाई नू अपनी जीब ते नहीं रख सकते अगर रखोगे ता तुहाडा सा रुक जाना उन्हें तुहानू प्रॉब्लम कर ही देनी है होस्पिटलाइज होना पूगा तुहानू ये इंडिगो लिता मैंने चलो हुण जिहड़े लोग ना जी मजबूरी बस इस्तेमाल कर रहे ने डाइयां दा उन्हां कोल कोई ऑप्शन नहीं बचिया क्योंकि वाल उन्हां दे सफेद ज़्यादा हो चुके ने मजबूरी बस उन्होंने हर हफ्ते डाई करवाना पैंदा हुण उन्हां दा खेड़ा है जिहड़ा तुसीं कुदरती ढंग नाल किवें छुड़ाओगे देखो अगर तो सिर्फ वाल कलर करने ने फिर आपां हेना लगा के फस्ट डे सैकेंड डे आपां जां उसी दिन शाम नूं इंडिगो अपलाई कर सकदे किहड़ी हेना है किहड़ी इंडिगो है जी देखो ये हैगी इंडिगो जी ये हैगी हेना अच्छा हेना पहले लगानी है हेना तो लोग लगाते ही ने सबनों पता है मेहंदी किमें लगाई जाती है पुराने टाइम तो किमें लगाते फिर भी तुसी दस दो एक बार मेहंदी लगानी किमें हाँ दो चमचे नाल एक बाल काले हो जाने इहदे नाल ओरेंज होणगे अच्छा मैं ढाई ले रहा यह तुहाडे अकॉर्डिंग मैं बना रहा अगर तुसी यूज करना हो इनफ है तुहाडे वास्ते मतलब अपने तरीके नाल ये जिहड़ी यूज कर लेना आपां बिल्कुल तो बिल्कुल मिट्टी रंगी होगी जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल प्योर है जी ये तुसी एक बार अप्लाई करोगे इहदा कलर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता मार्केट दे विच मिलदियां ने लेकिन इन्ना डार्क कलर कोई नहीं चढ़ाता है कोई होगी शायद मैं जिन्ने को इस्तेमाल करी मैं इन्ना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलिया जिन्ना इस मिल रहा तो देखो तुसी डॉक्टर साहब जिहड़ा नुस्खा अपना फार्मूला मेहंदी वाला बना रहे ने उन्हों का कहना है कि जेकर असी अपनियां जिंदगियां बचाउणियां ने अपने वाल बचाउंदे ने जदों तक असी जिउंदे आ साडे सांझ साए ते सानू ये नुस्खे फार्मूले यूज़ करने ही पैणगे अदरवाइज जिहड़ी डाइज़ हैगियां ने इस वेले मार्केट दे विच चल रही आ उन्हां दा सब नू नुकसान दा पता है कि नुकसान की हो रहा है तैयार है जी बिल्कुल हाँ ये सारी रात भिजी रहेगी जेडे माड़े मोटे लम्स हैगे ने खत्म हो जाएंगे हाँ यदि कंसनटेंसी कि रखनी है ना तो ज़्यादा पतली होनी चाहिए है, ठीक है। नहीं तो ड्रॉप्स गिरी जाएंगे नीचे तो ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए है कि लगान दे समय परेशानी हो अगर छोटे बालों से लगानी है ये हजे सवेर तक इन्हें लम्स खत्म हो जाएंगे रात में भिजी रहेगी जो तो बाकी लगाने का तरीका तो उही है छोटे बालों से लगा रहे हैं तो एक बड़े साइज़ की हैंडल वाली कोम ले लो वो जी खुले दंद वाली होंगी है मैं तो उही यूज़ करता हूँ अप्लाई करी जाना नाल कोम करी जाना उन्हें नाल की होगा प्रोपर सारे सिर के उत्ते फैल जाती है तो ब्रश ना लगानी है ब्रश तो असं किट के नाल ही दे रहे हैं वैसे किट की किट का शब्द नाम एक दिता हुआ ठीक है लेकिन मैं तो इनू बालों वास्ते एक सेहत का भंडार ही कहवागा या एक पोटली कहवागा क्योंकि पोटली के बच्चे ही सारा समान जी 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 तो फिर इंडिगो इस तो बाद इंडिगो इस्तेमाल कर रहे हाँ जी जिमें सुबह ये लगा ली ठीक है इस सिंपल वॉश कर लेना हाँ इन्ना है अगर तुम इस यूज कर रहे हो तो सिर के तेल नहीं होना चाहिए एक दिन पहला चाहे शैंपू कर लो तेल भी कह रहे हो कि तेल भी थोड़ा घर ही बना लो हाँ जी की ढंग है देखो तेल वास्ते असी नौ जड़ी बूटियां का कॉम्बीनेशन करे और नौ हर्ब्स का जो कॉम्बीनेशन है जिन्हों ऑयल मेकर कहने आही है जी ये ऑयल मेकर इसनों तुसी 100 ml तेल ले लो कोई मर्जी चाहे वह तुहाडी पसंद का मस्टर्ड ऑयल होवे चाहे कोकोनट ऑयल होवे उहदे विच इहदा एक चम्मच पाना 100 ml पिछे एक चम्मच पा के तुसी धीमी आंच ते इहनू काढ़ लो जदों कड़ गया गैस बंद करके इहनू ठंडा होने लई छोड़ दो जिवें यह ठंडा हो गया इहनू पुण लो कपड़ छान करना कपड़ छान कर लो तो जोड़ा तुहाडे कोल तेल निकलिया वह ए चीज़ बनूगी फिर ये मेरे मिसेज ने बनाया सीगा कोकोनट ऑयल दे विच बनया होया 500 ml ऑयल दे विच 5 चम्मच पाए हुए ने हुणे हर्बल तेल तैयार है इस नौ जड़ी बूटियां का मिश्रण आ गया थोड़ी वाइफ नूं भी प्रॉब्लम हाँ जी मेरी वाइफ नूं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी लेकिन उन्होंने तो बैठे साडे सामने उन्होंने तो वाल ऐ लगते जिवें नैचुरल होण जी काले नहीं देखो मेरी 43 एज है 40 के करीब बेबी हैगे ने तो इन्होंने डाई बहुत इस्तेमाल करी तो डाई का साइड इफेक्ट इन्हों मिलिया भी बहुत उदो मैं रोकया भी इन्हों भी ये चीज़ा ना इस्तेमाल तुसी नुस्खा है जिहड़ा वो अपने घर के उत्ते अजमाया पहला देखो पहले पहल मैं अपने तो करी अच्छा। फिर सैकेंड मैं अपनी वाइफ तो अपनी बेटी दे करी मेरी बेटी 16 to 17 साल हैगी है तो उन्होंने भी दिक्कत यही सी उनके डेंड्रफ्स भी बहुत ज़्यादा उनके पहले बाल स्टार्टिंग जो नैचुरल हेयर से बहुत अच्छे से बहुत लंबे हेयर से मेरी वाइफ के भी बहुत लंबे हेयर से आफ्टर मैरिज इन्होंने कट करवाते थे तो उस तो बाद फिर जदों बाल सफेद होने शुरू हुए उस तो बाद डाई का इस्तेमाल शुरू कर डाई ने यहोजा नुकसान कर
अब अपने मुंह ही दसनगे वैसे तो इन्होंने नुकसान इन्हों पता ही है सारा कुछ जी। की नाम है जी थोड़ा? हाँ जी मंजू। अच्छा मंजू जी की होया सी डाई लगाने तो बाद तुसी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि थोड़े सारी स्किन भी खराब हो गई सी। सर देखो डाई यूज करते टाइम पहला तो एवं होंगे कि चलो टाइम सेविंग होंगी है, हाउस वाइफ्स नू मोस्टली यही होंगे कि टाइम बड़ा लगता है, टाइम खराब होंगे। फिर बाद जो हेयर फॉल होने शुरू हो गए, स्किन मेरी लूज होनी शुरू हो गई, रिंकल्स पै गए, पैचेस पै गए, आई साइट मेरी घट गई, फिर बड़ा मैनू ये होया इस गल का कि हुन की होएगा। फिर जो इन्होंने सुजैसट किया ये यूज़ करते सी, बट मैनू एवें होंदा सी कि टाइम वेस्ट होंदा, टाइम बहुत लगता है। बट सर जे अपने वालों की केयर करनी है, अपनी केयर करनी है, तो यह सब यूज़ करना ही पड़ेगा, टाइम तक कढ़ना ही पैंदा सर। फिर थोनू की फर्क लग्या डाई तो डाई लगाउण नाल ते डाई तो जदों तुसी इह नुस्खा डॉक्टर साहब वाला यूज़ किया? सर इहदे तो बाद मेरे वाल हुण जिहड़े आ स्मूथ हो गए हैं, हेयर ग्रोथ शुरू हो गई है, पैचेज आ जिहड़े काफ़ी हद तक कवर हो चुके हैं, मतलब गंज पैना शुरू हो गए। हाँ जी हाँ जी, पैचेज इन्हां एरियाज दे विच तां बहुत ज़्यादा हो गए सी सर, हुण तो बहुत पहलां नालों बहुत ज़्यादा हुण ग्रोथ भी हो रही है, लेंथ भी वध गई मेरी। ते बाकी सर हुण ते आले दुआले भी थोड़े कोलों लैके जाण लग गए, डॉक्टर साहब दस रहे सी कि परिवार दे विच चाचे ताए आंढ गुआंढ दे विच बच्चियां दे उत्ते भी तुसी दिंदे हो, बच्चियां नूं की फायदा होएगा अगर ये चीज़ असीं यूज़ करिए जिन्हां दी उम्र तो पहलां वाल काले होए ने? पहला फायदा तो यही होया उहदी डैंड्रफ फर्स्ट सैकेंड उहदे नाल ही काफ़ी हद तक रिमूव होगी। अच्छा। ते बाकी सर उहदे वाल सिल्की हो गए, ग्रोथ हो रही है उसकी, वाल भारी हो गए हैं सर, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। यूज़ किमें करना है जी, यूज़ किमें करते हो तुम लगा के किमें यूज़ किमें करते? हाँ जी सर, यूज़ करने का तरीका स्टार्टिंग दे विच तो मैं पहला मेहंदी लगाती सी। अच्छा। फिर उस तो नैक्सट डे इंडिगो लगाती सी, बट दो तीन हफ्तों तो बाद मेहंदी जो मेहंदी लगानी मतलब शुरू करती, फिर उस तो बाद मेहंदी तो इंडिगो दोनों नू मिक्स करके लगानी हूँ। डॉक्टर साहब ने तो भी आज तेल भी रखे हुए ने, तेल दसिया भी तेल बनाना घर के विच ते आ साबणा भी रखिया ने। हाँ जी सर, मैं ये तेल का की करना है? सर मैं तेल रात में लगा लेनी हाँ, तो सुबह यही सोप नाल जड़ा सोप बेस हैगा इहदे नाल असीं अपना सोप तैयार किया होया यही सोप यूज़ कर लेनी हाँ मैं। ओके। शैम्पू वगैरह नहीं यूज़ करते। जिहड़ियां इस वेले कुड़ियां तुहाडे उम्र दियां जिहड़ियां साडियां भैणां हैगियां ने तुहानूं वेख रहियां ने, उहनां नूं की सुनेहा दोवोंगे तुसीं? सर बाकी देखो एज दे अकॉर्डिंग जिहड़े हो चुके हैं उस चीज़ नूं तां आपां नहीं रोक सकते, बाकी एज तो पहला ना होण उन्हां वास्ते मैं यही सुजैसट करांगी कि उन्हां नूं जरूर यूज़ करना चाहिए हर्बल प्रोडक्ट्स। बाकी जिन्हां दे हो चुके हैं बाकी दे ना होन उन्हां दी केयर कर सकते हैं वही प्रोडक्ट्स यूज़ करके। जी जी चलो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब एक होर बड़ी अहम प्रॉब्लम है जिहड़ी इस वेले छोटे छोटे बच्चों के भी बड़ा डेंड्रफ हो रहा है जी, उहदा की कारण मानते हो तुसीं? देखो डेंड्रफ दा कारण जिहड़ा हैगा ਉਹ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਕੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਬਚਾਓ ਵਾਲੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਸਕੈਲਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੈਲਪ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਂਡਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ੈਂਪੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਓਇਲ ਸੁਣਿਆ ਓਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਡੈਂਡਰਫ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਬਣਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਬਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਬਣ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੁਸਖਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੈਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕਲਰ ਡਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 20-22 ਦਿਨ 24 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਡਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਰੁਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਈ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰੋ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ। 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਊਗਾ ਹੀ ਦੇਊਗਾ। ਚਿੱਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 13 ਤੱਤਵ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨੁਸਖਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੀ ਨੁਸਖਾ ਜੀ? ਆ ਹੈ ਜੀ 13 ਤੱਤਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 13 ਹਰਬਸ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ, 13 ਦੇ 13 ਹਰਬਸ ਦਾ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਬਸ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ 13 ਤੱਤਵ 13 ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪੈਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ, ਟੇਸਟ 'ਚ ਬਿਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 13 ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋਏ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ? ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ ਆਮਲਾ ਹੀ ਹੈ, 13 ਤੱਤਵ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਸਖੇ ਵੀ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਜਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਕਾਈ ਪਾਊਡਰ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਲ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਲ, ਰੋਜ਼ ਫਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ ਪੈਟਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਮਲਾ ਫਰੂਟ, ਦੇਖੋ ਸੀਡਲੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਡ ਕਢਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪਿਸਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੋਰਿੰਗਾ ਲੀਵਸ, ਮੋਰਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਇਹ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਫਲੈਕਸੀਡ, ਫਲੈਕਸੀਡ ਵੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਤੁਲਸੀ ਲੀਵਸ, ਰਾਮਾ ਤੁਲਸੀ ਹੈ ਇਹ, ਰਾਮਾ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚਾਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ, ਫੈਨੋਗ੍ਰੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੜੀ ਲੀਵਸ, ਕੜੀ ਲੀਵਸ ਲੋਕ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਿਬਿਸਕਸ ਪੈਟਲ, ਗੁੜਲ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟ ਅੱਡ ਕਰਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੀਮ ਲੀਵਸ, ਨੀਮ ਲੀਵਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਐਂਟੀ ਡੈਂਡਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੀਮ ਲੀਵਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿੰਗਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਗਰਾਜ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਲੋਵੇਰਾ ਲੀਵਸ, ਐਲੋਵੇਰਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਲੋਵੇਰਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹਰੀ ਮੂੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਗੋ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਰੂਟ ਹੈ ਆਮਲਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦਾ, ਹਰਬਲਸ ਕੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਰੂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਲ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਚਿਸ ਭਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਮਰ ਬੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਝੜਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਸਮੂਥਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੈਮੀਕਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਬਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਹਰਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਹਰਬਪੈਥੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਅਲਰਜੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਾਈ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਡਾਈ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹਜੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਰਜੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਹਾਂ, ਅਲਰਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਅਲਰਜੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਡਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਕਿਨ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਰਸ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੁਰੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਲ ਥਿੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਜ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਰਬਲ ਕੰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਸਮਾਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੇਰਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਆਸਥਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਗੂਗਲ 'ਚ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨੁਸਖੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।